इतना खा रहा हूँ और मन कर रहा है, चक्कर क्या है भाई ये, कुछ डाला इन्होंने भाई, समथिंग वेरी एडिक्टिव। तो भैया देख के आना, इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई समथिंग वेरी एडिक्टिव ओनली देन बी हियर। टू गुड भाई, यहाँ आके तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में, एंड इट इज वेरी फिलिंग, एक पूरा डोसा मेरे से अभी खत्म नहीं हुआ। आप देख लो, तीन कटोरियाँ ये सांभर की है ना, ऑल माइन, नो शेयरिंग विद एनीबॉडी, ओनली माइन सांभर, हैविंग एंड हैविंग मोर enjoying, enjoyment का जो लेवल है ना, गोइंग अप एंड अप एंड अप, कोई बड़ी बात नहीं यार, अगर आप सारे आओ एंड यू विल कॉल इट द नंबर वन साउथ इंडियन रेस्टोरेंट इन दिल्ली, कह सकते हो, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी जगह जो सारे बंदे आ सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया वेज खाना दिखाओ, आपने बहुत नॉन वेज खाना दिखा दिया है। तो मैं आज आपको लेके आया हूँ दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स के अंदर, जगन्नाथ की रजौरी वाली ब्रांच के अंदर हम आए। वैसे तो हमने आपको बारह खंबा वाली ब्रांच भी दिखाई थी, लेकिन हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने कहा कि जो वाइब यहाँ की है वो और कहीं नहीं है। तो आज मेरे वेज लवर्स एंड साउथ इंडियन लवर्स आप सबके लिए यहाँ पे आए हैं, तो चलो आपको अंदर लेकर चले। आप देखो यहाँ पे बहुत ही ट्रेडिशनल वे में आप सबका वेलकम होता है विद अ तिलक, विच इज समथिंग वेरी नाइस। अब देखो क्या ट्रेडिशनल बढ़िया वेलकम हमारा यहाँ पे हुआ है। वो कहते हैं ना, खाने से पहले वो फील गुड वो आना चालू हो चुका है। एंड अगर आप दिल्ली की इस गर्मी में आ रहे हो, एसी वेसी बढ़िया भाई, बेस्ट चीज। चलो आओ अंदर चले। मेरी ब्यूटीफुल मदर एंड मैं तो पूरा साउथ इंडियन लग रहा हूँ टिक्का टुक्का लगा के, और बहुत ही अच्छी वाइब है इस जगह की, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, फ्रेग्रेंस इज लाइक एक्सीलेंट, और आते सारे इतनी पॉजिटिव वाइब्रेंट जगह है ये कि बस अब वी आर टू जस्ट एंजॉय, आप लोग हमारे साथ चलो एंड वी आर टू हैव अ ग्रेट टाइम टुगेदर। मम्मी हम केरला गए थे हमारी केरला जो हमने सीरीज बनाई थी, बिल्कुल वैसी वाइब आ रही है ना, ऐसा लग रहा है फिर से आ गए। फ्रेग्रेंस तो माइंड ब्लोइंग, यू विल कम हियर, यू विल really enjoy the vibe, vibe आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, एंड जो फ्रेगरेंस मम्मी भी बोल चुकी है एंड पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ बहुत ही अमेजिंग है। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट देखो यार, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड अ यूनिक कॉन्सेप्ट, पीछे स्क्रीन वगैरह भी लगी हुई है, सो वाओ यार। चलो बाकी आपको और भी फैमिली मेम्बर्स से मिलवाते हैं, और भी फैमिली मेम्बर्स साथ आए हैं उनसे भी मिलो, इस जगह का मेन्यू वगैरह भी देखो, सही है। मेरी पूरी फैमिली, हेलो सब आए हैं हम फॉर दिस वंडरफुल अमेजिंग साउथ इंडियन लंच, एंड ये इन्होंने हमारे को पहले ही रसम सर्व कर दिया, दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। हाँ जी, मैंने कहा रसम आ चुका तो एक चीयर्स तो बनता है, सो चीयर्स टू माय यूट्यूब फैमिली। बहुत ही गर्मा गर्म रसम है, एंड वो कहते हैं ना एक स्पाइसी टच, वो एक स्पाइसी टच आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। मतलब आपको पहले मैं वाइब दिखा चुका हूँ, एंड सबसे पहले तो भैया जो चीज़ है वो है, इतनी गर्मी हुई है दिल्ली में एंड जो एसी चल रहा है दैट इज़ फैंटास्टिक, एसी बढ़िया है, वाइब बहुत बढ़िया है, कलर्स बहुत ही वाइब्रेंट है, एंड आते सारे आ रही है थोड़ा सा ना, वो कहते हैं ना जब चीज़ें इतनी अच्छी हो रही हों तो एक खटास भी चाहिए होती है, तो शुरुआत थोड़ी सी खटास है ये रसम से कर ली है, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी डिलीशियस। बाकी मम्मी ने यहाँ के मैनेजर से बात करी है, तो दे आर सर्विंग अस कॉम्प्लीमेंट्री मॉकटेल्स जो हम आए हैं यहाँ पर ड्रिंक, सो दैट इज़ ऑल्सो प्रीटी नाइस। बाद में यहाँ के मैनेजर से भी बात करेंगे, उनसे भी कुछ इस जगह की इन्फॉर्मेशन आपको लेकर देंगे। एंड हाँ, ये रहा मेन्यू, तो चलो मेन्यू देखते हैं। मैंने कहा आपको यहाँ का मेन्यू दिखाते हैं, ये देखो आप इसको पॉज कर देख सकते हो, थोड़ा सा प्राइसिंग आपको ज़्यादा लग सकता है, बट दिस इज़ अ प्रीटी नाइस प्लेस टू चिल विथ योर फैमिली। यहाँ डोसा देख के मेरे को तो मुंह में पानी आ गया है। हम थोड़ा सा ना 3:30 बजे के आसपास आए हैं, एंड
भूख भी काफ़ी लग रही है, तो भैया मज़ा आएगा भाई। एक तो मेरे को ये टिक्का इतना फैसिनेटिंग लग रहा है ना भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं आपके भाई पे सूट कर रहा है या नहीं। आई रियली लाइक द टिक्का। फैमिली बैठी है, ऑर्डर दे रही है, सब अपना चिलिंग चिलिंग कर रहे हैं। एंड ये भैया ऑर्डर लेने आ गए। हाय, व्हाट्स योर नेम भैया, क्या नाम है? धीरज। धीरज जी बड़े ही मुस्कुराते मुस्कुराते प्यार से हमारा ऑर्डर ले रहे हैं, क्या पा रहे। अब धीरज भाई आपकी मुस्कुराहट देख के मेरे को पहले ही पता चल चुका है खाना बड़ा अमेजिंग होने वाला है। 2000 years later. वह है चीज डोसा। प्रथम ने ऑर्डर करा है अपने लिए चीज डोसा। वाह वाह, वेरी नाइस। सो ऑर्डर हम सबने प्लेस कर दिया है। बाकी दिस रसम इज प्रीटी नाइस यार, मेरे को तो रसम पी के मज़ा आ गया भाई। मैं खट्टी चीज़ें कम पीता हूँ लेकिन ये पी के ना मज़ा आ रहा है। सो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैनेजर इज़ वेरी स्वीट। कॉम्प्लीमेंट्री हमें ड्रिंक्स मिल चुकी हैं एंड डोसाज वगैरह भी आ चुके हैं। ये आ गया है मेरा रवा मसाला डोसा, वाजी वाह, माई फेवरेट, लुक्स वेरी डिलीशियस। सांभर जो इन्होंने दिया हुआ है ना भाई साहब, मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी क्रेजी एंड अमेजिंग लग रहा है। साथ में भैया मैंगो वाला वेदर है तो मैंगो वाली चटनी एंड कोकोनट चटनी, आज मज़ा आने वाला है। मतलब टमी को ना एक अलग क्रेविंग मिल रही है एंड एक अलग, मतलब समझ रहे हो, चीज़ मिलने वाली है आज कुछ डिफरेंट। नॉनवेज तो हम वैसे खाते रहते हैं, चीज़ पास्ता पिज्ज़ा बहुत खा चुके हैं। मैंने कहा आज चलते हैं, रिलैक्स करते हैं, बढ़िया वेज कुछ खाते हैं एंड इन्जॉय करते हैं। तो चलो फटाफट से इसको खाते हैं एंड आपको बढ़िया बढ़िया रिव्यू देते हैं। फ्रेंड्स आप ये देखो, काजू वगैरह डले हुए हैं, द टेस्ट ऑफ द डोसा इज सुपर गुड यार। ड्राई फ्रूट्स वगैरह डले हुए हैं, इट्स प्रिटी 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 गुड। एंड मेरी फेवरेट भाई यहाँ की चटनीज, इसको बिल्कुल मिस मत करना। एंड बाकी सारे चिल करते हुए इंजॉय कर रहे हैं। हेलो है क्या, हमें हम गए थे बाराखंबा वाली ब्रांच पे, आई थिंक हमें हो चुका है, इसी टाइम गए थे गर्मियों वाले टाइम पे लास्ट ईयर। क्वालिटी और इम्प्रूव हो गई है, मतलब मैं लास्ट टाइम भी जब मैं गया था ना बाराखंबा वाली ब्रांच में, मैंने कहा था जगन्नाथ का खाना इज गुड बट इट इज़ टू गुड हियर इन रजौरी। एम्बियंस भी काफ़ी बढ़िया, वाइब भी काफ़ी अच्छी है एंड मज़ा आ रहा है भाई अपने खाने को, मैं इन्जॉय कर रहा हूँ। सो कोई बड़ी बात नहीं यार, अगर आप सारे आओ एंड यू विल कॉल इट द नंबर वन साउथ इंडियन रेस्टोरेंट इन दिल्ली, कह सकते हो, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। टू माई फ्रेंड्स, माई यूट्यूब फैमिली, दैट्स हाउ यू शुड इन्जॉय योर साउथ इंडियन मील। आप देख लो, तीन कटोरियाँ ये सांभर की है ना, ऑल माइन, नो शेयरिंग विथ एनी बडी, ओनली माइन। सांभर हैविंग एंड हैविंग मोर enjoying, enjoyment का जो लेवल है ना, गोइंग अप एंड अप एंड अप विद द सांबर। साथ में ये देख लो, ये मैंगो चटनी नहीं, अभी पता चला टोमेटो है। वो कहते क्या हैं कि जब तक मैंगो मेरे को लग रही थी ना, इट वॉज नेक्स्ट लेवल, अब जब पता चला टोमेटो है एंड वो भी इतनी अच्छी, अच्छा जी अब तो घर पे भैया ये बनवानी पड़ेगी नानी को बोल के। एंड साथ में यार एक पूरी कटोरी, इतनी बड़ी कटोरी मैं खा चुका हूँ कोकोनट चटनी की। भाई साहब मेरे को नहीं पता था कि मेरे को साउथ इंडियन इतना अच्छा लगता है, जितना मैं खाते जा रहा हूँ ना, वो कह रहे ना कि होता क्या है, वैसे बॉडी के अंदर होता है जितना खा लो उतनी चीज़ बुरी लगने लग जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, शुरू शुरू में अच्छी लगती है फिर वो डिमिनिश होती रहती है। इसमें क्या है, जितना खा रहा हूँ और मन कर रहा है, चक्कर क्या है भाई, ये कुछ डाला इन्होंने भाई, समथिंग वेरी एडिक्टिव। तो भैया देख के ही आना, इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई समथिंग वेरी एडिक्टिव ओनली देन बी हियर। टू गुड भाई, टू गुड। मेरे को यहाँ पर आके ना वो कोकोनट चटनी से अपने कॉलेज के डेज याद आ गए, व्हेन आई वाज डूइंग लॉ फ्रॉम लॉ फैकल्टी मंदिर मार्ग, तो वी यूज़ टू गो टू दिस प्लेस सोना रूपा करके होता था जनपद में, तो वहाँ पर जाके एवरी डे ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे हमारा पूरा ग्रुप जाता था एंड आई यूज टू फ्रीक आउट ऑन द कोकोनट चटनी ओवर देयर। मेरे को सांभर से ज़्यादा चटनी अच्छी लगती है कोकोनट चटनी, तो बस वही याद आ जाता है साउथ इंडियन जगह आके अपने कॉलेज डेज। सोना रूपा वॉज नोन फॉर द क्वालिटी बट वो काफ़ी टाइम से बंद हो गया है वो चेन, बट ये जगन्नाथ जो है दिस इज एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अभी तो याद आ गया मुझे सोना रूपा, अदरवाइज याद नहीं आया कभी। यहाँ आके तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में, एंड इट इज वेरी फिलिंग, एक पूरा डोसा मेरे से अभी खत्म नहीं हुआ, इट्स सो बिग एंड ह्यूज एंड लवली एंड फिलिंग, वेरी नाइस, टेस्ट इज वेरी नाइस। हम लोग आए यार जगन्नाथ, ठीक है ओके, मेरे को साउथ इंडियन ज़्यादा पसंद है नहीं, मेरे को एवरेज लगता है बहुत, बट यहाँ का साउथ इंडियन इज एक्चुअली डिसेंट। मेरे को यहाँ का साउथ इंडियन एक्चुअली पसंद आया, डोसा खाया हमने, मैंने चीज़ डोसा खाया, मेरे को चीज़ पसंद है, तो आई सजेस्ट आप लोग यहाँ पे एक बार तो आओ। 4 out of 5, वेरी गुड साउथ इंडियन, नाइस।
सुपर साउथ इंडियन फूड, साउथ इंडियन तो अच्छा था ही, चटनीज भी बहुत अच्छी थी, सांभर भी बहुत ही टेस्टी था, पर इनके मॉकटेल्स भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड रिफ्रेशिंग टू बीट द हीट. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो गए वैसे कभी भी हम फैमिली, आपने हमारे पहले वाले ब्लॉग्स भी देखे होंगे, हम जाते हैं, हम कभी भी एक सेम डिसीजन पर आते नहीं हैं, सबके अलग रिव्यू होते हैं. लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैंने अभी देखा, आपने हम पांचों को देखा है, पांचों ने म्यूचुअली ये बोला दिस इज अ ग्रेट प्लेस सर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर पीपल, बी हियर, एंजॉय हियर विद योर फैमिली. चलो मिलते हैं जल्दी से दोस्तों अगले ब्लॉग में. बैंकॉक जल्दी आने वाला है. क्रोकोडाइल 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 क्रोकोडाइल. फ्रेंड्स हमारा जो बिल था वो था 1604 एंड स्विगी पे 200 रुपये मेरे को ऑफ मिल गया था. स्विगी डाइन आउट से मैं पे कर रहा हूँ, ये भी सही है. चले जाते हैं, एज आई प्रॉमिस्ड हम आपको यहाँ के मैनेजर साहब से भी मिलवाने वाले हैं. सर क्या नाम है आपका? उनसे आनंद सिंह राव. आनंद जी बहुत ही अच्छा लगा आपको मिलकर. मेरा भी सर नेम आनंद है, तो जब आनंद आनंद मिले हैं बहुत ही आनंद से खाए. तो अब जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं सब आपको मिलने वाले हैं. बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम. हम नया सर वेलकम के लिए अभी आ गए. थैंक यू सो मच आनंद. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपको मिलना. थैंक यू.